हम डालेंगे इसमें घी अमूल देसी घी गुलाब जामुन मैंने जो इसको दूध के अंदर सोक करके रखा है। दूध में सोक किए हैं। ये बिल्कुल सॉफ्ट है, जैसे आपका इसका गुलाब जामुन आप इसको मारेंगे तो टूट जाएगा, बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। आप सॉफ्टनेस देख सकते हैं, आप बिल्कुल ही सॉफ्ट है ये, प्योर मावा का। हम डालेंगे इसमें घी अमूल प्योर घी। यस क्योंकि ये सब्जी बनती ही प्योर देसी घी के अंदर है। हम डालेंगे इसके अंदर अमूल देसी घी। देन हमने ये बैटर बना के रखा है, इसके अंदर हमने डाला है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और देगी मिर्च। एंड देन दही के अंदर हम इसको विस्क करेंगे अच्छे से। और इस टाइम पे हम क्या करेंगे, गैस को बिल्कुल धीरे कर देंगे ताकि इसके अंदर क्या होगा, दही हमारा स्प्लिट नहीं होगा। नहीं, इसके बाद हम इसको थोड़ा गैस से नीचे उतार के इसको थोड़ा लो टेम्परेचर पे करेंगे ताकि इसके अंदर जो हमारा घी आप देख रहे हो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। इसके अंदर धीरे से इसको दही को एक जगह पे डालेंगे। और खुशबू जो है बड़ी प्यारी आ रही है इसकी, क्योंकि जो पकेगी ये घी के अंदर पकेगी पूरी की पूरी आपकी, क्योंकि ये है जो आपकी जो डिश है जोधपुर की स्पेशल डिश है। अच्छा। ये आपको सिर्फ जोधपुर में मिलेगी, आपको पूरे जयपुर में खाने के लिए कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा। ये हमारे बनाए खुद के गुलाब जामुन होते हैं, देसी घी के गुलाब जामुन मैंने जो इसको दूध के अंदर सोक करके रखा है। यस, ताकि इसके अंदर सॉफ्टर और टेंडर हो जाए। हम इसको इसके बाद ग्रेवी के साथ इसके अंदर पकाएंगे। ये तो मतलब मजा आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए अभी इसी के अंदर पकाएंगे ताकि इसका घी धीरे धीरे सेपरेट हो जाएगा। एंड देन जैसे धीरे इसका घी यहाँ से सेपरेट हो रहा है, ऊपर की तरफ फ्लोट हो रहा है इसके साइडों से, फुल हमारा बन चुका है। और आप ये जरा से ये बिल्कुल सॉफ्ट है, जैसे आपका इसका गुलाब जामुन आप इसको मारेंगे तो टूट जाएगा, बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। आप सॉफ्टनेस देख सकते हैं, आप बिल्कुल ही सॉफ्ट है ये, प्योर मावा का। हम इसके बाद इसको सर्व करेंगे, इसके अंदर डालेंगे तो ये गार्लिक नान आ गई है हमारी गुलाब जामुन की सब्जी के साथ खाने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया लग रही है, बहुत बढ़िया। हर दिन नहीं होता, शुगर है वो नहीं लगे।